ये से कन्हैया जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी हमने देखा है कि कुछ नरमी बनती नज़र आ रही है पिछले कुछ हफ्तों से। एक अच्छी तेज़ी के बाद मसालों में मुनाफा वसूली बनती नज़र आई है। थोड़ी एक्सपोर्ट डिमांड में भी कमी देख रही है हमने, जिसकी वजह से मसालों में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, अब यहाँ से किन मसालों में कितनी मंदी तेज़ी रहेगी? देखिए, जहाँ तक मसालों का सवाल है, मुझे लगता है कि आज हम कोरिएंडर पे बात करें तो बेहतर रहेगा। धनिया जो है, धनिया क्या फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन जैसे मैंने आपको प्रथम हाफ में भी कहा था कि आप तेजी और मंदी बाजार की फितरत है, स्वभाव है, नेचर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कभी भी एक तरफा मंदी या एक तरफा तेजी किसी भी कमोडिटी में नहीं होगी, चाहे वो कपास खली हो, चाहे कॉटन हो, चाहे सोयाबीन हो, या फिर मसाला हो। लाल मिर्च में आप देखिए, लाल मिर्च के अंदर हमने आपको तेजी की बात कही थी जब दिवाली के नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास, जब बहुत तेजी, बहुत मंदी की संभावना इसलिए बन गई थी कि जबरदस्त अराइवल थी, जबरदस्त आवक थी लाल मिर्च की, चारों तरफ मंदी मंदी हो गई थी, क्योंकि हमें लग रहा था फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कि ना जो चिली है, लाल मिर्च है, वो परफेक्ट टाइम था लोएस्ट भाव के अंदर खरीदने का, और उसके बाद एक तरफा तेजी बनी कि जिसको कोई संभालना मुश्किल हो गया। और अब जब तेजी बन चुकी है, अब सब चारों तरफ लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, तो हमारा कहना यह है कि आप उसे, जब आपने नीचे दर पे माल खरीदा, तो एक महीने के अंदर इसको माल में पूरा मुनाफा तो वसूल करो। जब तक नीचे दाम पे लिया गया माल को मुनाफा में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे? तो यही कहना है कि निचले स्तर पे जो माल खरीदा था उसको मुनाफा वसूल करें। तो लाल मिर्च के अंदर आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर हो सकता है कि कमजोरी बन जाए और नीचे की तरफ रुख चला जाए। इसी तरह से कोरिएंडर के अंदर भी धनिया में देखो आप, 6,900 से चल के 6,800 से चल के 8,500 तक का भाव आ गया, 2,500 से 2,000 रुपए की तेजी आई। तो मुनाफा कब वसूल करोगे? जब 2,000-1,500 रुपए मिल गया है तो आपको उसमें मुनाफा वसूल करना है, और यदि वो नहीं करते हैं तो वो व्यापारी वर्ग कैसे है जी? तो यही मेरा कहना है कि ये मसाला हो या कोई भी पैक हो, ऊपरी जब आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो उसके अंदर आपको मुनाफा वसूल करना चाहिए, और यदि आप लगा के बैठे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप व्यापार कर रहे हैं। यही मेरा कहना है, यही दर्शकों को समझाना है, और यही मैं अपनी राय दे रहा हूं। और एक और मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि ये सारी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से दी जा रही है। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय ले रहे हैं उसके अंदर अपना स्वयं का विवेक जरूर लगाइए, अध्ययन लगाइए, और अपने सलाहकार से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मत है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि धनिया के अंदर जो है उसके अंदर लंबे, अब कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ मुनाफा वसूली आ जाए, तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करना बेहतर रहेगा। जी एफ जी जी,